हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा प्रभारी विपल्व देव, धुमन सिंह किरमिच, पूर्व मंत्री कृष्ण देव मंगलवार को हथनीकुंड बैराज पर पहुंचे। बता दी कि सभी ने बैराज पर इसी माह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया। वहीं सभी ने अपना काफी समय बैराज में मोटर बोट और जेट स्कीइंग बोट पर बिताया। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष व अन्य सभी नेता मंगलवार को शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के भतीजे की शादी समारोह शिरकत करने के लिए प्रताप नगर अनाज मंडी में पहुंचे थे। समारोह के बाद सभी हथनीकुंड बैराज पर पहुंचे और मोटर बोट और जेट स्कीइंग बोटिंग का लुत्फ उठाया। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हथनीकुंड बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना अलग ही तरह का अनुभव रहा। एक बार तो ऐसा लगा मानो गोवा के बीच पर जेट स्कीइंग बोटिंग कर रहे हूँ। हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिन रात काम कर रही है। हथनीकुंड बैराज से लेकर मोरनी तक पर्यटकों के लिए काफी काम किया गया है। वहीं हथनीकुंड बैराज पर सारा साल पानी रहता है। जेट बोटिंग के लिए ये उपयुक्त स्थल है। आने वाले समय में यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचेंगे। हरियाणा प्रभारी विपल्व देव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 नवंबर को बैराज पर जेट बोटिंग की शुरुआत की थी। जब उन्हें इसकी शुरुआत के बारे में पता चला तो वह तभी से यहाँ आने का कार्यक्रम बना रहे थे। इसका लुत्फ लेना रोमांचित करने वाला है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। जनता के हित में कोई भी काम पूरा करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर समय तैयार रहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।